हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो। और आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही डिफरेंट से टॉपिक पे। टैरो की ये रीडिंग रहने वाली है, लेकिन ये रीडिंग है मूलांक नंबर 5 वाले लोगों के लिए, ओनली एंड ओनली। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 5th ऑफ एनी मंथ, 14th ऑफ एनी मंथ एंड 23rd ऑफ एनी मंथ, तो ये रीडिंग आपसे बिलोंग करती है। यानी कि अगर आपका मूलांक है 5, लाइफ पाथ नंबर है 5, और कुछ लोग इसको बोलते हैं क्वीन नंबर। सो अगर ये आपका 5 है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ओनली डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ नहीं, ईयर ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, अगर वो 5 है, 14 है और 23 है, क्योंकि इन सब का जोड़ भी 1 + 4, 2 + 3, इन सब का जोड़ भी 5 ही आता है, तो आपका मूलांक नंबर है 5, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर है 5। और ये रीडिंग आपके बारे में रहने वाली है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी लाइफ के कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। और गाइज, ये आपकी ना जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, और टाइम फ्रेम के अंदर बंधी हुई ये रीडिंग नहीं है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और आप इसको पर्सनैलिटी नंबर 5 वाले लोगों के साथ, यानी कि आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके स्पाउस पार्टनर, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जितना पार्ट आप लोग उसे रेजोनेट करें उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो आप इसके ना हर एक चीज़ के साथ रेजोनेट में भी ना कर पाए, ठीक है। सो अभी हम कार्ड्स निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप मेरी जोडियक वाली रीडिंग, जो मंथली रीडिंग हम करते हैं, उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सो उसके लिए दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और मे बी मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था, इसलिए कार्ड्स उल्टे हैं, सो इट्स ओके। तो 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है डेविल, और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ आज, सो दैट इज़ वाई जो कार्ड रिवर्स में थे उनको मैंने सीधा कर लिया है। मे बी मेरी मिस्टेक से ही वो उल्टे सीधे आए हैं, सो रिवर्सल मैं जनरली नहीं लेती हूँ, डायरेक्ट रीडिंग ही हम करेंगे यहाँ पे। सो 5 नंबर सोल ट्राइब, कुछ गड़बड़ है आप लोगों के साथ ना। मुझे CID में एक डायलॉग है ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है गाइज आपके साथ, और आपके साथ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ है कि जिन पे आप भरोसा करते हैं, या जिस एक पर्टिकुलर इंसान पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, और ये आपकी रिसेंट में ना 5-6 महीने का ऑरा है, एनर्जी है, ये आपका पास्ट में बता रही हूँ, या हो सकता है कुछ लोग प्रेजेंटली यहाँ पे हों, बट जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप रेजोनेट कर पाएंगे कि 5-6-7 मंथ्स में ऐसा हुआ होगा कि जिसको आपने बहुत प्यार किया होगा, जिस पे आपने हद से ज़्यादा यकीन किया होगा, उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया होगा, लेट डाउन किया होगा, नीचा दिखाना, दूसरे की भावना की कदर ना करना, इमोशंस को कंसीडर ना करना, अपनी ईगो में रहना। सो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बट कोई एक ऐसा इंसान या कुछ ऐसे इंसान जिनको आप अपना सब कुछ समझते थे, तो उन्होंने कुछ धोखे का यहाँ पे है, कुछ बिट्रेयल है, कुछ धोखा, कुछ इस तरह की चीज़ें कि ना किसी का बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज लेना, किसी के भोलेपन का फ़ायदा उठाना, इस तरह की चीज़ें हैं। और भोलापन इसलिए यहाँ पे हुआ कि आप कहीं ना कहीं गलीबल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आपने आंख बंद करके भरोसा किया है। और नंबर 5 सोल ट्राइब का ये रहता है मोस्टली, जो नंबर 5 पीपल हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23rd है, तो ये आपने नोटिस किया होगा अपने आप में कि आप ना काफ़ी एडवेंचरस हैं, एडवेंचर लवर हैं, आपको नई नई चीज़ें करना, फ्रीडम के साथ रहना, और अच्छे अच्छे जगहों पे जाना, घूमना फिरना, नई चीज़ें ट्राई करना,
बहुत अच्छा लगता है। तो मे बी हो सकता है कि इस तरीके से ये दोस्ती हुई हो कि आपको काफ़ी पोटेंशियल दिखा हो, और मोस्टली मुझे ये पोटेंशियल पार्टनरशिप नज़र आ रही है, जो इंटीमेट वाली रिलेशनशिप होती है, जो पोटेंशियल पार्टनर हमारा होता है, हमारे वुड बी शुड बी, ठीक है ना, हमारे मैरिड कपल्स के बीच में पार्टनरशिप जो होती है उस तरह का है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, जैसे आपने किसी गलत इंसान को चुन लिया, मुझे जो लग रहा है कि, और आपको काफ़ी टाइम तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहा कि आपने गलत कंपनी चुन ली, गलत कंपनी का शिकार हो जाना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कंपनी का शिकार हैं, यानी कि मौज मस्ती के लिए कभी कभी ना हम गलत ग्रुप के साथ बैठने उठने लगते हैं, और वो अच्छा नहीं रहता है, और अनड्यू एडवांटेज आप लोगों के भोलेपन का लिया गया है। और यहाँ पे ना ब्रेन वॉश आपका बहुत किया गया है, आपके साथ ना दिमाग के साथ खिलवाड़ बहुत हुआ है, आपके साथ ना दिमाग के साथ छेड़छाड़ बहुत हुई है, आपको ना ऐसी ऐसी चीज़ें समझाई गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में डाली गई हैं कि आपको ये भी लगने लगा, सेल्फ डाउट भी हुआ है आपको, आपको बहुत बहुत बार ना सेल्फ डाउट हुआ हुआ है, गलती इस सामने वाले इंसान की है, लेकिन उसने आपको इस तरह से प्रेजेंट की बात की, आपको लगे कि अच्छा मैं ही गलत हूँ, हाँ हमेशा मैं ही गलत होता हूँ, हाँ मेरी ही गलती है, फिर आपसे सॉरी भी फील कराया होगा, फिर मन मन में बहुत हंसे भी होंगे, आपका मजाक उड़ाना, आपको रिडिक्यूल करना, और ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में ना, या था, ये बहुत ज़्यादा ना टेम्पर टेंट्रम करने वाला, कंट्रोलिंग, कंट्रोल फ्रीक्स जो होते हैं, नार्सिसिस्टिक टाइप इंसान होते हैं, और साइकोपैथ्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है। सो गाइस, अगर इस तरह का आपका है, यहाँ तक आपने 30-40% भी रेजोनेट किया है, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड आया, डेविल का कार्ड इटसेल्फ बता रहा है कि आप किसी ना डेविलिशियस रिलेशनशिप में हैं, कोई ना कोई इंसान है जिसका ऑरा ऐसा है आपके आसपास ना, हो सकता है आप उसे बहुत प्यार करते हो सकता है आप उस पर बहुत डिपेंडेंट हो, आप इमोशनली बहुत पैशनेट फील करते हो इस इंसान के लिए, आपको ऐसा लगता हो कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी या इसके बिना मेरा क्या होगा, और जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप इसके बिना भी अच्छे से ही जी रहे थे, बट ये माइंड गेम्स होते हैं, ये आपका माइंड है कहीं ना जो गुलाम हुआ हुआ है, आप ना किसी की गुलामी कर रहे हैं, आप किसी रिश्ते में ना बिल्कुल गुलाम की तरह हो गए हैं, स्लेवरी कर रहे हैं टिपिकल वे में ना, और आपको पता भी है बट यू कांट हेल्प इट, आपको लगता है कि इतना कोडिपेंडेंसी है, इतनी डिपेंडेंस है। बहुत बार हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होते हैं और फिजिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ना साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लग रहे हैं, और इसने ना आपको अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ, और इसमें इसकी गलती नहीं है। जब भी हम किसी के ऊपर इतना छोड़ देंगे अपने आप को कि हाँ तुम ही हमें हर तरह से डील करो, तुम ही हमारा कंट्रोल अपने हाथ में लो, तो फिर लोग कंट्रोल लेंगे। सो यहाँ पे आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में, ये आपका जॉब प्लेस हो सकता है, वर्क प्लेस, ये आपकी जॉब हो सकती है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी आपकी जो किस्मत की बागडोर है, आपकी जो लाइफ की बागडोर है, वो आपने विलिंगली किसी और के हाथ में दी हुई है। और ये बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो है यहाँ पे गाइस। और ये क्यों हुआ है इसके बारे में आपको ही अपने आप से पूछना है। और यहाँ पे कार्ड आया है फोर ऑफ सोर्ड्स का, और फोर ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है, हालांकि फोर फोर सोर्ड्स हैं और इनके बीच में ये लेडी सो रही है, बट सोर्ड्स के इतने पास रहने के बावजूद भी ध्यान से देखिए, सोर्ड इसको टच भी नहीं कर पा रही हैं, और सोर्ड इसको ना कट भी नहीं कर पा रही हैं, इसका कोई नुकसान नहीं कर पा रही हैं, और इसके फेशियल एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो काम है, कंपोज है, और पीस में है, और कहीं ना कहीं कंटेंटेड है, खुश भी है, पीस ऑफ माइंड में है बेसिकली। तो यहाँ पे ना इस चीज़ को तो आपने, मतलब प्रेजेंट जो आपकी कंडीशन है गाइस, वो ये है कि इस चीज़ को आपने डिकोड तो कर लिया है कि हाँ ये बंदा अच्छा नहीं है, या बंदी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और इसमें मैं ड्रेन आउट ज़्यादा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और ये मुझे ड्रेन आउट बहुत ज़्यादा कर रही है, और जितना इसमें मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ उतना मुझे वापस नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल प्योर वाला प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और सामने वाला मेरे को प्योर वाला एक्सप्लोइटेशन कर रहा है। तो इस चीज़ को डिकोड तो आपने यहाँ तक कर लिया है,
और कहीं ना कहीं आपने इस चीज को ना अपनी हेल्पलेसनेस को समझा है. दिस इज द कार्ड ऑफ हेल्पलेसनेस ऑल्सो. यहाँ पे एक हेल्पलेसनेस है ना कि चार चार तलवारें हैं, उनके बीच में सोना है तो सोना है, ठीक है. तो ये हेल्पलेसनेस है. तो फिलहाल जब आप इस रीडिंग को देखेंगे आप काफी हेल्पलेस फील कर रहे होंगे कि है तो ये इंसान बुरा बट मैं इससे इसके साथ इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है. अगर छोड़ दिया है तो उसी की याद आ रही है, उसी से कॉन्टेक्ट करने का मन कर रहा है. आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं और आंसू बहा रहे हैं, याद कर रहे हैं, उन्हीं के सपने ले रहे हैं, कहीं ना कहीं फैंटेसी में जी रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे. इस तरह का भी है. बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, रिश्ते टूट गए हैं, ब्रेकअप्स हो गए हैं, बट स्टिल दे आर ड्रीमिंग अबाउट दैट पार्टनरशिप कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ जादू की जैसी चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना. और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे जब इस रीडिंग को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भगवान को सरेंडर करते हुए, स्पिरिचुअल कोई शरण लेते हुए, स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए, लाइफ को बियॉन्ड दैट इल्यूजन देखते हुए, किसी रिलीजियस प्लेस पे रेगुलर जाते हुए आप लोगों को मैं देख रही हूँ. कोई भक्ति भावना कहीं ना कहीं से आपके अंदर आ गई, या कम से कम ये फीलिंग आ गई है कि थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, थिंग्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, इवन मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी लाइफ दूसरों के कंट्रोल में है. तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं गौर करते हुए मुझे प्रेजेंट में आप दिख रहे हैं. और जब हम इस तरह से गौर करते हैं ना चीज़ों पर तो हम वेरी सून उसमें से निकल भी जाते हैं. ये भी एक चीज़ देखी गई है कि बहुत जल्दी हम उसमें से निकल जाते हैं. सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे जो पैथेटिक सिचुएशन हुई हुई है ना उसका हमें ज्ञान होना जरूरी है कि हाँ हमें पता तो हो कि हम गलत जगह पे हैं. जब हमें पता चलता है कि हम गलत जगह पे हैं तो हम बहुत जल्दी वहां से निकल जाते हैं. यहां पे अब एनर्जी में इंप्रूवमेंट है, नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के लिए सब कुछ ठीक होने वाला है. यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है. यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है. अब ये देखो तलवार की नोक पे चल रही, तलवार की धार पे चल रही है कहीं ना कहीं. तो चीज जो है ना, जो आपकी जर्नी है, जो आपका ये इसको छोड़ना तोड़ना रिलेशनशिप को, या आगे बढ़ जाना, लेट गो करके मूव ऑन करना, ये इजी नहीं रहेगा. नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो जाएगा बट इजी नहीं रहेगा. क्या ये इस लेडी के लिए इजी है, ठीक है. ऊपर चीज़ों को बैलेंस करना, साथ में कुछ ना कुछ स्किल सीखना, कुछ स्किल सीखते हुए मुझे आप दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा. कोई नई चीज़ आप सीखेंगे, लाइक इस तलवार की धार पे चलने जैसा होगा ये सब कुछ ना. लाइक जो है उसको संभालना, कुछ नया सीखना, प्लस जो है चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना. ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, ढेर सारे चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी राह में, ढेर सारे लोग आ सकते हैं जो रोड़े बिछाएं, लेकिन आप इस पे से पार हो जाएंगे. इसकी पॉसिबिलिटी है, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं. आप अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, क्योंकि इस तलवार के धार पे चलना ना बहुत बड़े हौसले का काम है, तो आप चल पाएंगे, आप अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे. आप ग्रूमिंग के कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, आप हीलिंग के कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, आप कुछ नए स्किल्स सीख सकते हैं, ठीक है ना. आप लाइफ में बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे सबसे पहले तो, कि नहीं इतना इन्वॉल्वमेंट में अब मैं, जो भी नया पोटेंशियल पार्टनर मेरा होगा या कोई भी मेरी लाइफ में कभी भी एक्सेस मारेगा, चाहे वो फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो बाहर के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, तो मैं उनको एक एक लिमिट के ज़्यादा ना उनको एक्सेस नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ठीक है. और ये भी आप सीखेंगे कि बाउंड्रीज इंप्लीमेंट करवाना कैसे, लाइक बाउंड्रीज बना दी हैं तो उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है. अब बाउंड्रीज क्या होती हैं, बाउंड्रीज ये होती है जैसे कि कोई आपकी सिस्टर है, आपकी कोई ननद है, आपकी भाभी है, ये मैं बहुत नियर डियर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जानबूझ के, या फिर आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपके घर में आई और आपका ड्रेसिंग टेबल खोल के देखने लगी, वो आपके घर में आई और आपकी ना अलमारी खोल के देखने लगी, और ये आपको शुरू शुरू में हो सकता है ज़्यादा ध्यान भी ना दिया हो इस चीज़ पे कि ये चीज़ गलत है, लेकिन विद टाइम आपको ये चीज़ बुरी लगने लगी, लेकिन आप उसको रोक ही नहीं पाए क्योंकि आपने उसको फर्स्ट टाइम नहीं रोका, सेकंड टाइम नहीं रोका, थर्ड टाइम नहीं रोका. तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि वो चीज़ें ना हमने अपने साथ होने दी कहीं ना कहीं, तो उन्हीं चीज़ों में आप बाउंड्रीज बनाएंगे जो कि बहुत मुश्किल है. अचानक से उठ के एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप बाउंड्रीज बनाने लगो, वो भी अपने ही लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल है पर आप ये काम करोगे. यहाँ पे दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है. सो ये आपका ऑरा होने वाला है, ये आपकी एनर्जी होने वाली है, फुल ऑफ लाइफ,
फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, और ऐसे इंसान के पास सक्सेस क्यों नहीं आएगी। ये ऐसा इंसान बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट कर पाएगा। ये इंसान अगर ऑलरेडी मैरिड है तो एक अपने अपने पार्टनर में एक पोटेंशियल पार्टनर, एक पोटेंशियलिटी को जगा पाएगा, ठीक है, उसकी भी हीलिंग कर पाएगा, उसको भी आपके साथ रहना बातें करना अच्छा लगेगा, तो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। और नया काम करने का बहुत है यहाँ पे ना, नया काम शुरू आप करेंगे, आप बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। इफ यू आर बिजनेस, यू आर इन बिजनेस, ठीक है, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया बिजनेस आइडिया, कुछ नई नए प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर सकते हैं, कुछ नई चीजों में हाथ आजमा सकते हैं, बट कुछ भी नयापन है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। अपनी बातें कहना, अपने कम्युनिकेशन को निखारना, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई काम करना, क्योंकि पांच नंबर वालों का कम्युनिकेशन वैसे भी बहुत अच्छा होता है। पांच नंबर वैसे भी गणेश जी का नंबर होता है, तो गणेश जी जो है विद्या और कम्युनिकेशन इस चीज़ की देवता हैं, तो उनका आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। और पेज ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि पैशन के साथ काम करना, यानी काम में भी आपके ना बहुत अच्छा बरकत होगी, काम भी बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो रुपया पैसा भी बढ़ेगा, इज्जत मान भी बढ़ेगा, वो सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, स्किल्स को शेयर करोगे, आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं, ट्रेवल एजेंसी होगी, ठीक है, और एड एड वगैरह की एड एजेंसी वगैरह में काम कर सकते हैं, आप क्रिएशन का कोई काम कर सकते हैं, डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं कोई चीज़, और आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, आपके लिए ढेर सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, आप कुछ लिख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, जो सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एक फुल ऑन पैशनेट जो चीज़ होती है ना, फुल ऑन पैशनेट, फुल ऑन एनर्जेटिक, फुल ऑन एंथुजियास्टिक, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो इस तरह की एनर्जी में रह के आया है, और जब आप इस तरह के लोगों के साथ रहते हैं ना, नेगेटिव लोगों के साथ, सो आप मानो या ना मानो एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपकी अच्छी एनर्जी उनके साथ चली जाती है और उनकी बुरी एनर्जी का रेमिनेंट सदा सदा के लिए आपके साथ रह जाता है। तो आपको ना अपनी बहुत ज़्यादा हीलिंग और क्लेंजिंग करने की ज़रूरत भी है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में, यानी कि काम का बहुत एस्पेक्ट है, काम करेंगे आप, काम में आपका मन रुचेगा, रुचि वाला कोई काम करेंगे जिसमें आपका मन लगता हो, अपनी मनपसंद वाला काम, अपने हॉबी को ही अपना पैशन बना सकते हैं, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना आपके जो लोअर चक्राज है उनकी हीलिंग भी है, वो भी मैं देख पा रही हूँ, और ढेर सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ढेर सारी चीज़ें आप रुपया पैसा बना पाएंगे, रिलेशनशिप आपके इम्प्रूव होंगे, आपका एनर्जी, आपका ऑरा इम्प्रूव होगा, आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, आपके जो मूड स्विंग्स होते थे पहले बहुत ज़्यादा वो नहीं होंगे। सो इस तरह का बहुत प्यारा सा, बहुत ही पॉजिटिव सा एस्पेक्ट लेके आ रहे हैं नेक्स्ट सिक्स मंथ्स। इन सिक्स मंथ्स का आप लोग भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कुछ गाइडेंसेस, कि गाइडेंसेस क्या हैं, क्योंकि रीडिंग से ज़्यादा मैंने ये नोटिस किया है कि गाइडेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उस पर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सो दीज आर आर गाइडेंसेस, और यहाँ पे है पास्ट लाइव्स। सो ये जो रिलेशनशिप है ना इस इंसान के साथ, ठीक है, और ये जो ऐसा ऐसा कुछ हुआ है ना जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी कार्ड्स में आपके साथ, जो इतना नेगेटिव आप लोगों ने इनके साथ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, ड्रेन आउट हुए हैं, आपने अच्छी चीज़ें इनसे शेयर की हैं, आपने अपनी अच्छी एनर्जी ड्रेन आउट की है इन लोगों के पीछे, और इन लोगों ने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है, तो कुछ भी ना यूनिवर्स में चीज़ें, डिवाइन फील्ड में चीज़ें या लाइफ में चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती हैं कि बाई चांस हो गया। सो बाई चांस जैसा कुछ भी नहीं है, ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था गाइस जो आपने सेटल डाउन किया है इस इंसान के साथ, और ये डन हो गया है। चाहे आप इनके साथ रहना चाहते हैं, रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि इनकी भी हीलिंग हुई होगी। ये रीडिंग आपकी है, उनकी तो नहीं है, तो इनकी भी हीलिंग हुई होगी डेफिनेटली, इन्होंने भी लेसन लर्न किए होंगे। और अगर ये रिश्ता टूट ही गया है तो वो भी इनके लिए लेसन लर्न वाली बात है, तो कहीं ना कहीं कुछ डीलिंग्स थी, कुछ कर्मा बचा हुआ था,
कुछ आपने सेटल डाउन करना था इनके साथ, कुछ लेसन्स आपने भी सीखने थे, आपने भी यहाँ पे बहुत सारे लेसन सीखे हैं, ठीक है। सो इसको इस तरह से आपने लेना है कि ये पास्ट लाइफ्स का था और ये निकल गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है कार्ड हार्मनी का, और मैंने पहले ही बोला आपको, आपको ना अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में काफ़ी लंबा टाइम रह लेते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत तगड़े लेवल का होता है। उसमें वो क्या करता है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हमारे अंदर पॉर डाउन हो रही होती है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर जा रही होती है, सो वो हमारे एनर्जी जो चक्राज हैं, जो हमारे चक्राज हैं, 7 चक्राज हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, मूलाधार से लेके सहस्रार तक, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब वो डिस्टर्ब होते हैं या फिर कोई ट्रॉमा हमें होता है, कोई धोखेबाजी, कोई दिल हमारा टूटता है, दिल दुखता है, तो उसमें हमारा हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ना आप लोगों का हार्ट चक्रा काफ़ी हद तक ब्लॉक है और काफ़ी सारी उल्टी सीधी कमांड्स इन लोगों ने आपको दी हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक दिल के साथ खिलवाड़ होता है, एक दिमाग के साथ खिलवाड़ होता है, तो दिल के साथ तो हुआ ही हुआ, आपके दिमाग के साथ भी खिलवाड़ किया। इन्होंने आपको ना उल्टी सीधी बहुत सारी कमांड्स दी हुई है यहाँ पे, और ये कमांड्स बहुत बार ना कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं। सो आपको बहुत बहुत हील करने की ज़रूरत है अपने आज्ञा चक्र को और अपने हार्ट चक्रा को, तभी आप लोग अपने अंदर, अपने पर्सोना के अंदर, अपने बीइंग के अंदर कहीं ना कहीं एक हार्मनी डेवलप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो होगी और आपने भी कोशिश करनी है कि वो हो। और यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड है, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना कुछ चीज़ें ये भी हो सकती हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी परसीव मुझे हो रही है कि कोई और कार्मिक साइकिल भी हो सकता है आपको ना, कोई स्ट्रेसफुल वाला कार्मिक साइकिल हो सकता है कुछ नए लोगों के साथ या इन्हीं पुराने लोगों के साथ और सेटल करना पड़ जाए। तो किसी ना किसी सेंस में नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना स्ट्रेस भी है, ये काम का स्ट्रेस भी हो सकता है, ये पास्ट लाइफ्स के रिगार्डिंग भी कोई कर्मा सेटल करने से स्ट्रेस हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, बट हाँ स्ट्रेस है यहाँ पे। और क्योंकि बर्डन भी आ गया है, अब दो दो कार्ड आ गए हैं तो बर्डन आ गया, ये पास्ट में हुई हुई कुछ चीज़ों का बर्डन हो सकता है, ये फालतू में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बार हमारे ऊपर डाल दी जाती है जो हमसे ना तो बिलोंग करती है और जो ना ही हम विलिंग होते हैं उसको लेने के लिए। लेकिन बहुत बार ना कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ आपको दे दी जाए कि 4 लोगों का काम आप पे डाल दिया जाए, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि फालतू में आपने बर्डन नहीं किसी का उठाना है, ठीक है। ये आपके कर्माज का अपना बर्डन हो सकता है, कोई बर्डन सम पोजिशन आपको दी जा सकती है, कुछ ज़्यादा काम आपको दिया जा सकता है, आपको प्रमोट भी किया जा सकता है, प्रमोट होने के बाद एकदम से काम का प्रेशर आपके पास ज़्यादा हो तो आप बर्डन सम फील कर सकते हैं। ये कोई रिलेशनशिप इस तरह की हो सकती है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करे एकदम से तो आप बर्डन सम फील कर सकते हैं। तो बर्डन और स्ट्रेस दोनों किसी ना किसी फॉर्म में 6 मंथ्स में आपके लिए है यहाँ पे। तो कुछ खट्टा है कुछ मीठा है गाइस, ऑलवेज सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो सकता है, सो जो जैसे है वो वैसे है। अभी हम मून के कुछ कार्ड्स लेंगे जो ना इमोशनल एस्पेक्ट में मून्स के कार्ड बहुत ज्यादा हेल्पफुल मैंने हमेशा देखे हैं, बहुत सटीक सी बात कहते हैं। ओके, सो ये है कार्ड्स फ्रॉम दी मूनोलॉजी। चंदा मामा क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपकी लाइफ में ना कुछ चेंज तो है गाइस, और वो भी पावरफुल वाला, यानी कोई बिग शिफ्ट है, यानी कि लाइफ बिल्कुल ही जिसे बदलते कहते हैं ना कि बदल गई, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, इंसान ही बदल गया, इंसान पहले जैसा नहीं रहा है, ठीक है। तो उस तरह के बड़े चेंजेस हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चेंजेस आर ऑलवेज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी प्लेजेंट, चेंजेस हमेशा ही बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं और बर्डन सम होते हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ना आपके लिए बर्डन और स्ट्रेस दोनों के कार्ड आए हैं। बट हाँ चेंज है, बहुत बड़े चेंजेस हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, सो जो भी जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, दिल तोड़ा है, उनके लिए आपने ना बुरा सोचना है ना बुरा बोलना है, उसमें थोड़ा सा प्यार को लेके आइए, समझ लीजिए कि कुछ आपने इनका देन देना था तो दे दिया है, ठीक है, और आपको मुक्ति मिली है इन लोगों से, दी आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने इतना अच्छा अच्छा किया, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, लोग मेरा फ़ायदा ही क्यों उठाते हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है, क्या मैं ऐसा हूँ, मैं ही बेवकूफ़ क्यों बनता हूँ, तो उन सब के आंसर ना टाइम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और वो अगेन आ गया, मैंने बोला है कि आपका ना आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र, ठीक है, हार्ट चक्रा जो आपका है और जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो
ब्लॉक है टोटली, और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, पीस में नहीं है। तो उनको ना जितनी नेगेटिविटी आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को लाइफ में आने से रोक रहे हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल नेगेटिविटी को रिलीज करें और खुद की हीलिंग करें गाइस, ठीक है। लाइफ किसी के आने से किसी के जाने से रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। सो यहाँ पे है नंबर 5 पीपल, ओके। अरे यार, चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो मैंने बोला है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग टू इम्प्रूव, नथिंग टू रिमेंबर, कुछ याद करने जैसा भी नहीं है, सब नेगेटिव है। तो एक नए डायरेक्शन में अपना काम करना शुरू करें, रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाएगा वो जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है, जो आपकी विश है और यस है, कुछ भी जो आपके मन में है, किसी भी चीज़ को अगर आप मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो यस है, वो चीज़ आपको ग्रांट की जा रही है। सो नंबर 5 पीपल, दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बहुत ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइज आप बहुत प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, और बहुत बहुत कनेक्टेड मैं आप लोगों के साथ फील करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से आप जो है कमेंट करते हैं और बातें करते हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चैनल ग्रो भी कर रहा है। सो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।